हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पटवारी के सिलेबस की, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। आप इस सिलेबस के पीडीएफ को jobthru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका 3 घंटे का होगा, जिसमें आपसे जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इसके अलावा ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से टोटल 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंटल एबिलिटी तथा रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल इफिशियंसी से टोटल 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर बेसिक कंप्यूटर से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 300 नंबर के होंगे। क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021-22 या 23 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी द्वारा नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसमें अनअकैडमी द्वारा महा सब्सक्रिप्शन ऑफर लॉन्च किया जा रहा है। अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं 2021 का, तो इसको बढ़ाकर 2022 तक के लिए कर दिया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन। वहीं पर अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं 2021-22 का, तो इसको बढ़ाकर 2023 मेंस एग्जामिनेशन तक के लिए कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं वो लोग प्लान ले सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में कर दिया है। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, तो आपको तुरंत ले लेना चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसके लिए लोन ले सकते हैं। इसमें 0 प्रोसेसिंग फीस पे आपको 0 इंटरेस्ट रेट के साथ लोन अप्रूव किया जाएगा। 2 घंटे में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। कम से कम पेपर वर्क में आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आपको SR अड्डा कोड डालना होगा। और अगर बैच की बात करें तो अनअकैडमी द्वारा 1 ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा फोनिक्स रिवीजन बैच स्टार्ट किया जा रहा है और 2 ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है। अगर आप 2 साल का प्लान लेना चाहते हैं तो 2 ईयर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा NCERT का स्पेशल बैच लॉन्च किया जा रहा है। तो जिन लोगों को प्लान लेना है, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। वहां पर आप अपना प्लान सेलेक्ट करें, उसके बाद SR अड्डा कूपन कोड डालें और पेमेंट करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर जनरल साइंस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तथा जनरल नॉलेज करंट अफेयर की बात करें तो इसमें आपसे विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान तथा मानव शरीर और आहार एवं पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं तथा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली संवैधानिक विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की भौगोलिक विशेषताएं पर्यावरणीय तथा परिस्थितिकी परिवर्तन तथा इनके प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समसामयिक राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जियोग्राफी हिस्ट्री कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान की। इसमें आपसे राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल तथा राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक आयोग तथा राज्य सूचना आयोग तथा लोक नीति। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण तथा राजनीतिक एकीकरण के बारे में पूछा जाएगा। लोक कलाएं, चित्रकलाएं तथा हस्तशिल्प एवं स्थापत्य के बारे में पूछा जाएगा। मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत और साहित्य के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता के बारे में पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल तथा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी की। तो सामान्य हिंदी में आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा, उपसर्ग एवं प्रत्यय, इनका प्रयोग तथा शब्द संरचना के बारे में पूछा जाएगा। सामासिक पद की रचना करना तथा समस्त पद का विग्रह करना। इसके अलावा शब्द युग्मों का अर्थभेद, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, शब्द शुद्धि जिसमें दिए गए अशुद्ध शब्द को आपको सही लिखना होगा, वाक्य शुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा वाक्यांशों के लिए एक उपयुक्त शब्द तथा परिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जिसमें आपसे प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मुहावरे पूछे जाएंगे, लोकोक्तियां पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। इसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर तथा करेक्ट यूज के बारे में पूछा जाएगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्रेजेस और इडियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका मेंटल एबिलिटी तथा रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी है। इसमें आपसे मेकिंग सीरीज तथा एनालॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिगर मिक्सर क्वेश्चन तथा क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अल्फाबेट टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैसेज तथा कंक्लूजन और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग तथा डायरेक्शन सेंस टेस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग तथा टाइम स्क्वायर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स तथा इंसर्टिंग ऑफ मिसिंग कैरेक्टर एंड नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज और रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एरिया एंड वॉल्यूम तथा परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड तथा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर की। तो बेसिक कंप्यूटर में आपसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपसे रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा जिसमें आपसे रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे एमएस ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।